भी तप करते हैं, भगवान के मंदिर तो जाते ही नहीं। साधु तप करते हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते। सन्यासी तप करते हैं, वो भगवान के मंदिर नहीं जाते। और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाकर दुख कटेगा, तो हमने कहा तपस्वी को कौन सा दुख है, जब उसने तप करने बैठा है तो दुख कौन सा है। सन्यासी को कौन सा दुख है, सन्यास लेकर बैठा है तो दुख आएगा कहाँ से। साधक को कौन सा दुख है, जब साधना में बैठ गया तो दुख मिठा कर ही बैठा होगा ना। दुख तुझे है तो तुझे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और अगर भगवान के मंदिर पर नहीं गए, भगवान के द्वार नहीं गए, तो क्या दुख नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। सतयुग होता तो कट जाता, तेरे घर पे ही दुख कट जाता। त्रेता होता तो भी तेरे घर पर दुख कट जाता, द्वापर होता तो भी तेरे घर पे दुख कट जाता। पर कलयुग है, कलयुग में दुख तो भगवान के दरवाजे पर जाने पर ही कटेगा। पहले के लोग, अब सतयुग में निकालो जरा पुराना समय और आज का समय, और सरल भाषा में समझ लो अच्छे से। पहले के जमाने में नाई की दुकान पे लोग कटिंग कराने नहीं जाते थे, बोलो जाते थे? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जितने मोबाइल पर सुन रहे, बोलो ईमानदारी से, कोई नाई की दुकान होती थी पहले के समय में? कोई नाई की दुकान नहीं होती थी। नाई खुद आता था तुम्हारे यहां के, बाल काट के जाता था, काटता था कि नहीं काटता था? आओ साहब बेटा, ने कपड़ा मपड़ा लगा ही दिया ऐसा, यहां से डोरी मोरी बांध के और काट कुटा के और चले गए। कपड़ा पहनाता कि नहीं पहनाता? अरे बोलो तो सही, पहनाए नहीं, ऐसी डोरी का कपड़ा पहना दे और बिठा दे ऐसा, बढ़िया। और जो बच्चे छोटे छोटे रहते थे उनको एक पटिया लगा के बिठा देते थे। पहले नाई जो था ना, वो इसकी दुकान नहीं होती थी, नाई की कोई दुकान नहीं होती थी। पहले नाई घर घर जाता था, कपड़ा बांधता ने काट दिया। सतयुग में कोई दुकान थी क्या नाई की, बोलते जाओ जम के? नहीं। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में अब है। तो अब क्या हो रहा है कि नाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाल कटवाना पड़ेगा। बस अंतर इतना है, सतयुग में भगवान दुख बैठे बैठे तुम्हारे घर पर आकर काट देता था, त्रेता में भगवान तुम्हारा दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था, द्वापर में भगवान दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। पर कलयुग में तो तुम्हें नाई की दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा बंधवाना पड़ेगा, तब वो काटेगा। उसी तरह कलयुग में तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तब वो दुख काट देगा। ये पक्का, तैयार बैठा है काटने के लिए। बिल्कुल, कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर, खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा कि पड़ा रह जाए। ध्यान दीजिएगा महाराज, कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिया में घी डाल लिया ज्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुमारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा कान के पास का, ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा, तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं थोड़े दिन आराम लगता है फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, कारण हमने खुद उत्पन्न
उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो गए, जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए हवा लगी दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो, कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी हमने तो कि इसकी जांच कराओ, ने उसकी जांच कराओ, कराओ, पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो रही है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम है, मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा, जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है कटोरी में भर के, रेंदे दिया भर ले एक बार का, रगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा, जलते क्या रहेगा, हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा करा, घी पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा। तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं, जो चतुर होते हैं वो आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है, तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाते हैं, जिससे पूर्ण जल जाए, पूर्ण तरह से हो जाए, उसकी पूर्णता रहे। शिव जी कह रहे हैं ये पुत्र मेरा नहीं है, तुम इसको समुद्र में डाल दो। नहीं नहीं समुद्र में नहीं डाल सकती, मैंने इसको गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है, इसको मैं रखूंगा। शंकर भगवान ने समझाया, पार्वती नहीं मानी, बहुत समझाया नहीं मानी। आखिरी में पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया, हिरण्याक्ष ने उसको झेल लिया, पालन करा, उसका नाम अंधकासुर। हिरण्याक्ष को वरह भगवान ने मार दिया, अकेला पड़ गया। तब करा साधना करी अंधकासुर ने, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि प्राण ना छूटे, जन्मे हो तो मरना तो पड़ेगा, संसार की रीत है, आए हो तो जाओगे, बस इतना है कि जितनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो जी लो, मरना तो है, आया हो तो जाना ही पड़ेगा, अपने जीवन को खुश होकर जी लो, अपने जीवन को। और जब अपने जीवन को अपन खुश होकर जी, तो अंधकासुर ने ब्रह्म जी ब्रह्मदेव से कहा मैं मरूं ना, ऐसा वर दे दो, नहीं मरना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी से वर मांगा, अंधकासुर को मालूम था मेरे पिताजी ने कहा है, ना तेरी कोई माता है ना कोई तेरा पिता है, पानी में बहकर आया था, मैंने पकड़ कर तेरा पालन किया। उसने कह दिया जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, उसी दिन मरूं। अब इसको क्या मालूम था, क्या मांग लिया, मांगने का भी तरीका होता है भगवान से कि हम क्या मांग रहे हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दो मित्र, दोनों भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी कृपा कर दो। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। एक बोला प्रभु ऐसी कृपा करना लोग मुझे दे 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 दे, मैं किसी को कुछ ना दूं, ऐसी कृपा करना। दूसरा बोला मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी से वो बोला प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे हाथ से खूब दान पुण्य संकीर्तन पुण्य होता रहे, शिव महापुराण की कथा होती रहे, मैं खूब दोनों हाथों से लुटाता रहूं, कम ना हो, खूब लुटाऊं पर कम ना पड़े। शंकर जी ने कहा तथास्तु। जिसने मांगा था कि मुझे लोग दे ही दे दे ही दे, वो तीन बत्ती चौराहे पे मांग रहा भी, उसे लोग दे ही रहे दे ही रहे दे ही रहे, भिखारी बन गया। और जिसने कहा था मैं दोनों हाथों से लुटाऊं,
वो भगत बन गया, भगवान दे भी रहा है वो लुटा भी रहा है, उसकी कृपा। मैं मरूं ना तो, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है।